Are true while others are false. In statements में से कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जो सच्ची हैं और कुछ झूठी है स्टेटमेंट आर ट्रू दिवन एट दूनिटेंटिफाई करना है कौन सी फॉल्स है और इनके आंसर भी यूनिट के लास्ट में दिए गए हैं राइट सो नो लेट्स स्टार्ट आउल्स आर एक्टिव एट नाइट नोकनल तो जो आउल्स होते हैं वो रात को एक्टिव होते हैं और का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो रात्रि से संबंधित हो अ ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट कहा जाता है ये सच है या नहीं मोस्ट आउल्स ईट ओनली प्लांट्स ज्यादातर आउल्स जो होते हैं उल्लू जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं फोर्थ स्टेटमेंट आउल्स है पावरफुल टेलोन्स आल्सो कॉल्ड क्लोज दे यूज दिस टू किल देयर प्रे जो आउल्स के नाखून होते हैं यानी कि पंजे होते हैं बहुत स्ट्रोंग होते हैं और वो अपने शिकार को किल करने के लिए उनको यूज करते हैं नेक्स्ट आउल्स है आइज होती है वो लार्ज होती है बड़ी बड़ी होती है जो उनका फेस होता है बिल्कुल फ्लैट होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट आउल्स कैन टर्न देर हैड्स एज मच एज टू सेवेंटी डिग्रीज टू सेवेंटी डिग्री तक आउल्स अपने हेड को टर्न कर सकते हैं मोड़ सकते हैं आउल्स आउल्स मेक अ ऑफ साउंड दे फ्लाई। जब उड़ते हैं तो बहुत सारे साउंड करते हैं यानी कि बहुत ज्यादा शोर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट द कलर ऑफ देयर फेदर्स हेल्प्स आउल्स टू ब्लेंड इनटू देयर एनवायरनमेंट कोम तो जो एनवायरनमेंट होता है जो वातावरण होता है उनका जो कलर होता है फैदर का उनको हेल्प करता है उसमें अपने आप अप, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में मिक्स करने में यानी कि वो दिखाई ना दें इससे आउल्स आर ब्लाइंड आउल्स क्या होते हैं अंधे होते हैं सो नीड टू टेक आउट द स्टेटमेंट विच आर राइट एंड विच आर नॉट राइट ओके Now let's come. Let's start the chapter. One winter morning, a winter's morning. Go. ग्रैंड फादर एंड आई फाउंड आउटलेट तो उतर कहता है कि एक दिन विंटर की कि सर्दियों का दिन होता है मेरे और मैंने एक बेबी स्पोर्टेडलेट को देखा आउटलेट का मतलब होता है कि उल्लू का बच्चा यानी कि छोटा बर्ड जो होता है उल्लू का उसको बोलते हैं आउलेट तो मैंने एक स्पोर्टेड आउटलेट देखा स्पोर्टेड का मतलब है जिसपे कुछ दाग लगे हूँ धब्बे लगे बाय दरानदा स्टेप्स

रो मीट दिया खाने के लिए पानी दिया उसको पीने के लिए तो वो हमारे बेड के नीचे जाके सेट हो गया यानी कि वो हम, हमारे साथ अच्छा फील करने लगा देन स्पोटेड आउलेट्स आर स्मॉल बर्ड्स एंड दे हैव नन ऑफ द सिनिस्टर अपीयरेंस ऑफ द लार्ज आउल्स तो स्पोटेड आउलेट्स होते हैं जो उल्लू के छोटे बच्चे होते हैं वो स्मॉल बर्ड्स होते हैं छोटे फिर उत्तर कहता है कि जो स्पोर्टेड आउटलेट्स होते हैं उनकी जो अपेयरेंस होती है इतनी ज्यादा उनकी अपेयरेंस भयभीत करने वाली नहीं होती स्निस्टर वाली नहीं होती ड्रावनी ड्रावनी नहीं होती जिस जिस तरह एक बड़े उल्लू की होती है छोटे बर्ड्स की छोटे उल्लू के बच्चों की ऐसी अपेयरेंस नहीं होती द आउटलेट इज नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ ह्यूमन्स जो आउलेट्स होते हैं यानी कि उल्लू के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर इंसानों से नहीं डरते हैं नोर इज स्ट्रिक्टली एट नाइट बर्ड और ये पूरी तरह से नाइट बर्ड नहीं है यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ नाइट के बर्ड है रात को उड़ने वाले बर्ड्स हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो ओथर कहता है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से नाइट बर्ड्स नहीं है बट इट प्रेफर्स टू स्टे एट होम ज्यूरिंग द डे एज इट इज समाइम्स अटैक्ट बाय द अदर बर्ड्स हु कंसिडर ओल आउल्स देयर एनमीज परंतु ज्यादातर ये क्या करते हैं आउल्स क्या करते हैं रात को बाहर निकलते हैं दिन में घर में यानी कि छुपे रहना पसंद करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि दूसरे बर्ड्स जो हैं वो उन पर अटैक कर देंगे और वो अटैक करने वाले बर्ड्स को अपने एनिमीज समझते हैं दुश्मन समझते हैं तो इसलिए ज्यादातर दिन में घर रहते हैं छुपे रहते हैं और रात को निकलते हैं द लिटल आउटलेट वोज क्वाइट हैप्पी अंडर माई बेड जैसे जैसे वो आउटलेट हमारे घर में आ जाता है हमारे बेड के नीचे आया तो बहुत खुश था The following day we found a second baby owlet in the almost the same spot on the veranda, and only then did my realize, did we realize that where the rainwater pipe emerged through the rough, there was a rough short of nest from which the birds had fallen. तो उसी दिन क्या होता है उसी सेम प्लेस पे हमें एक और आउलेट मिलता है एक और उल्लू का बच्चा मिलता है और हम देखते हैं तो जहां से वो हमारे छत के ऊपर जो रेन वाटर पाइप होता है वहां से निकल रहा होता घोसला वहां, तो वहां, तो वहां से मिलते हैं टूक द सेकेंड यंग आउल टू ज्वाइन द फर्स्ट एंड फेट बोथ तो कहता है कि हमने सेकंड वाले आउल को भी उठा लिया When I went to bed, टू बेड on the द विंडो just जस्ट इनसाइड द netting, नेटिंग एंड द लेटर इन द नाइट देयर मदर फाउंड there. तो रात को क्या होता है जब हम बेड पे थे तो जो हमारी खिड़की थी उस खिड़की के बिल्कुल ए, लेज पे किनारे पे वो दोनों बर्ड्स छोटे बर्ड्स बैठे हुए थे और उसके बाहर एक मॉस्किटो की नेटिंग लगी हुई थी और उसकी वजह से वो वहां से विंडो से बाहर नहीं फ्रॉम आउटसाइड द क्रोनिट एंड गर्गल्ड शी गर्गलिट एंड गर्गल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इन द मॉर्निंग आई फाउंड दैट शी हैड लेफ्ट ए माउस तो रात को क्या हुआ जब वो दोनों बर्ड्स वही थे तो हमने सुबह देखा कि रात को उनकी मदर ने उनको वहां पे फाइंड कर लिया था ढूंढ लिया था तो रात को उनकी मदर वहां पे आई और उसकी मदर ने वहां पे अपनी आवाज में गूंजना गड़गड़ाना गर शुरू कर दिया और उसने उस नेटिंग के अंदर एक एक आ, माउस को वहां पे रख दिया उस नेटिंग के अंदर उस जाल के अंदर क्योंकि वो हमारी तरह जो पालक जो माता पिता थे यानी कि उस बच्चों को उन, उनके बच्चों को जो पाल रहे थे वो उनपे ट्रस्ट नहीं करते थे तो उनके खाने के लिए उस आउल ने उनके लिए आउलट्स के लिए वहां पे एक माउस रख दिया नेक्स्ट यंग बर्ड्स थ्राइव्ड

Of, uh, of so, उलेट को उठाकर मैंगो ट्री की ब्रांच पे रख दिया बिठा दिया उसको और दूसरे दूसरे आउलेट को मैं उठाने के लिए नीचे झुका तभी मैंने एक ब्लो एक हवा का झोंका महसूस किया अपने सिर के पीछे टू लेटर द मदर आउल वोप्ड

Might happen. Sinister का मतलब होता है कि किसी कोई पाप या किसी का चेहरा इस तरह का हो जो पापी सा दिखे, सॉफ्ट दिखेट साउंड यानी कि साउंड ऐसा प्रोड्यूस करना जो लुभावना हो दूसरों को सुनने में अच्छा लगे फोस्टर पेरेंट्स फोस्टर पेरेंट्स मीन्स वन care ऑफ चाइल्ड विदाउट बींग द चाइल्ड लीगल पेरेंट्स यानी कि ऐसे माता पिता जो लीगली उनके माता पिता नहीं होते परंतु उनका पालन पोषण करते हैं वो कहलाते हैं टॉप पेरेंट्स। ऑफ द बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउन यानी कि आगे की ओर झुकना नेक्स्ट सुप डाउन सुपडाउन मीन्स मूवड वेरी क्विकली एंड ईजिली थ्रू द एयर स्पेशली डाउन फ्रोम Height in order to attack. हमला करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ जाना जैसे कोई बर्ड किसी पर हमला करता है आकाश में से वो नीचे आता है तो हवा में ऊपर से नीचे जाना बेसिकली हम, uh, हमला करने के लिए तो वो कहलाता है स्पूप डाउन अजाइल मीन्स एबल टू मूव बॉडी क्विकली एंड ईजिली यानी कि कुछ चीज एक्टिव होना बहुत ज्यादा तो उसको हम बोल सकते हैं अजाइल फाइट दीज वार डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस दिस चैप्टर नेक्स्ट पॉइंट Quickly, I placed the second owl under the mango tree. जैसे ही उस owl ने हमला किया तो हमने क्या किया उस owl उस owlet को हमने फटाफट वहाँ पे mango tree पे रख दिया. Then from a safe distance, we watched the mother fly about down and uh, and lead her offspring into the long grass at the edge of the garden. तो हमने उस आउल को रखे सेकंड आउल को भी रख के फटाफट मैंगो ट्री की ब्रांच पे हम एक सेफ प्लेस पे खड़े हो गए दूर खड़े हो गए देखने लगे क्या होगा तो उनकी मदर उनके पास फ्लाई करके आई और उनको उस गार्डन के ग्रास में से कहीं अंदर ले गई किनारे पे ले गई उनको गार्डन में ले गई We thought she would take her family away from our rather strange household, but the next morning I found the two young owlets' first own own hat stand in the veranda. तो हमें लगा कि जो उनकी मदर है वो उन अपने बच्चों को वहां से हमारी फैमिली से दूर ले जाएगी और अगले दिन क्या हुआ जैसे हमने नेक्स्ट मॉर्निंग हुई हमने देखा जो हमारे वरांदा में एक हैड स्टैंड बना हुआ था तो एक हैट की शेप का एक स्टैंड बना हुआ था तो वो जो दो बर्ड्स थे दो आउटलेट्स थे वो वहां पे पच थे यानी कि वहां पे बैठे हुए आराम कर रहे थे ग्रैंड फादर एंड वेन वी केम बैक वी फाउंड द मदर सिटिंग ऑन द बर्ड बात फ्यू मीटर्स अवे मैं अपने ग्रैंड की तरफ गया उनको बताने के लिए और मैंने देखा कि जो हमारी ग्रैंड मदर है जो हमारे मदर है वो भी उनके पास बैठी हुई है थोड़ी सी दूर जहाँ पे बर्ड बाथ है यानी कि जब बर्ड के लिए कटोरा रखा जाता है उसमें वो खाते भी हैं कुछ पी, पीने का पानी रखा जाता तो पीते भी हैं उसमें नहा भी लेते हैं तो बर्ड बाथ के पास उन दोनों बर्ड्स की मदर वहां पे बैठी हुई थी हमने ये भी देखा

बर्ड्स की मदर ने हमें प्यार से हमें ग्रीटेड किया वू वू की आवाज निकाली जिससे हम समझ गए कि वो अब उनपे ट्रस्ट कर रही है वो अपने किए हुए पे जो उसने किया कल हमला किया था उनपे तो उस बात के ऊपर वो सॉरी फील कर रही है ऐसा उन्होंने महसूस किया उस बर्ड के बारे में उस उल्लू के बारे में नाउ दीज आर एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू सेट ग्रैंडफादर

आउल को लगता है ऐसा उसकी मदर को ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो उनको संभाल नहीं सकती मैनेज नहीं कर सकती तो अब वो हम पे ट्रस्ट करना चाहती है सो द आउलेट्स बिकेम रेगुलर मेंबर्स ऑफ of हाउस होल्ड एंड वर अमंग द फ्यू pets दैट ग्रैंड मदर a liking टू तो उसके बाद वो आउलर्स हमारी फैमिली के रेगुलर मेंबर्स बन गए और उन पेट्स का भी पार्ट बन गए जो मेरी ग्रैंड मदर ने और पेट्स रखे हुए थे उनका भी She objected to old snakes, most monkeys and some crows. We would had all of these four pets from time to time. तो फिर उत्तर कहता है कि हमारे पास ना टाइम टू टाइम अलग अलग तरह के पेट्स थे, स्नेक्स भी थे, हमारे पास monkeys भी थे, crows भी थे. परंतु वो कहता है कि हमारी जो ग्रैंड मदर है उसने किसी को भी लाइक नहीं किया मोंकिस को न स्नेक्स को ना क्रोज को तो किसी को भी लाइक नहीं किया उसने सभी को ऑब्जेक्ट किया सभी का विरोध किया परंतु इन टू आउटलेट्स को ग्रैंड मदर ने उनको लाइक किया बट शी टू क्वाइट फैंसी टू आउटलेट्स फ्रीक्वेंटली फैट दैम कॉल्ड सब सबगेटी That is called so, उसने उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसने उन बर्ड्स को, को लाइक किया पसंद किया और वो इतनी उनकी शौकीन हो गई थी मैक्रोनी की, uh, की तरह एक आई थिंक स्पेनिश और इटालियन डिश होती है जो उन्होंने उन, उन बर्ड्स को खिलाई सबगेटी दे सीम टू लाइक

और वो बहुत ज्यादा हमारी जो ग्रैंड मदर थी मेरी ग्रैंड मदर थी कह रहा है उसको वो पसंद करने लगे यहाँ तक कि जो भी जैसे वो कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर पेटिकोट पहनती थी तो जो भी पेटिकोट पहनता था वहां पे उस सभी की तरफ वो बर्ड्स इफेक्शन दिखाते थे अपना प्यार दिखाते थे यहाँ की जो आंट मेबल है वो बर्ड से बहुत डरती थी उसकी तरफ भी वो अपना प्यार दिखाते थे जब वो पेटिकोट पहनती थी क्योंकि उनके मन में पेटिकोट पहनने वाली वो ग्रैंड मदर है

आंट मेबल की तरफ वो आते थे तो आंट मेबल स्क्रीम करते हुए रूम से बाहर निकलती थी डर जाती थी वो बर्ड्स तो उसकी तरफ प्यार से आते थे परंतु वो आंट मेबल उनसे बहुत डरती जिन बर्ड्स से डरती थी जब वो बर्ड्स उनकी तरफ आते थे फॉरगेटफुल ऑफ द फैक्ट दैट ग्रैंडफादर एंड आई हैड रियर्ड देम The owls would sometimes swell them, feather and peck at anyone in trouser. तो इस बात को भूल गए थे कि वो बर्ड्स की ग्रैंडफादर ने और मैंने उन, हम उनको यहाँ पे लाए थे हमने उनका पालन पोषण किया था उसके बावजूद भी वो ग्रैंड मदर से ज्यादा इफेक्शन रखते थे और कभी कभी हमारे ऊपर वो क्या करते थे गुस्सा हो जाते थे अपने आप को स्वेल कर लेते थे अपने फैदर को फुला लेते थे और कभी कभी हमें पैक भी करते थे यानी कि हमें काट भी ले, काट भी लेते थे ट्राउजर के अंदर से हमारे पैंट के अंदर से तो हमें वो कभी कभी काट भी लेते थे

Uh, तो आई कॉम्प्रोमाइज बाईरिंग एन बट वो कहता है कि मैंने सिर्फ इस बात से कॉम्प्रोमाइज किया यहाँ तक मैनेज कि सेटिस्फाई हो गए यानी कि उसके बाद उनको लगता था कि अगर मैं खाना खिला रहा हूँ उहता है तो उनको लगता था कि मैं ग्रैंड मदर हूँ अप्रोन पहन पहनने से उसकी लुक ऐसी आ जाती थी इन रिस्पॉन्स टू ग्रैंड मदरस वॉयसेंटल तो जब वो ग्रैंड मदर को रिस्पॉन्स करते थे यानी कि जब वो ग्रैंड मदर से बात करते ग्रैंड मदर को खाना खिलाती थी तो वो इस तरह से रिस्पोंड करते थे कि जिस तरह एक कैट के बच्चे होते हैं रिस्पोंड करते हैं छोटे बच्चे प्यार से तो वो भी वैसे ही रिस्पोंड करते थे बहुत अच्छी सी आवाज निकालते थे बट वैन वाइल्ड आउल्स वर अराउंड और वुड रेंड द नाइट विद ब्लड कर्डलिंग तो कहते है कि जब कोई वाइल्ड आउल्स वहां पे होते थे तो इस तरह की रात इस, इस तरह की आवाजें निकालते थे इस तरह रात को चीखते थे कि वो आवाजें दिल दहला देने वाली होती थी जब भी कोई जंगली वहां पे आउल्स वहां पे होते थे परंतु हमारे साथ वो बहुत ही सॉफ्ट आवाज निकालते थे अपने इफेक्शन को शो करने के लिए प्यार को शो करने के लिए उथर ऐसा कहता है

तो इस बात को बहुत एंजॉय करते थे उनको बहुत मजा आता था दे वुड गेट थ्रूली वेट जम्प आउट एंड पर्स्ट ऑन ए टावल रैक तो वे पूरी तरह गीले हो जाते थे उस जंप करते थे और फिर एक टावल के रैक के ऊपर जाके वहां पे बैठ जाते थे पर्च करते थे अपने आप को सुखाते थे अपने आप को

After dark they had the the freedom of the house and nightly occupation was catching एंड the kitchen squatters. तो रात को क्या करते थे वो फ्री हो जाते थे फ्रीडम थी उनको फ्री हो जाते थे दिन में वो रेस्ट करते थे तो किचन्स के जो बैटल्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको पकड़ते थे उनको वो खाते थे बींग ए है वो जो किचन था वो एक बहुत ही अच्छा हंटिंग ग्राउंड था यानी कि वहां पर वो हंट करते थे अपना शिकार करते थे अपने वो पावरफुल आइज और पावरफुल बीग्स की वजह से वो एक पेस्ट के डिस्ट्रॉय करने वाले थे यानी कि कीड़े मकोड़े को मारने वाले थे उसका वो एक्सलेंट थे बहुत बढ़िया थे लुकिंग बैक ऑन her चाइल्डहुड डेज आई इन contented माइंड पिक्चर ऑफ द ग्रैंड मदर इन चेयर कहते हैं कि कभी कभी मैं अपने जब चाइल्डहुड के बारे में सोचता हूँ यहाँ पे वो बता रहा है कि जब मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचता हूँ बचपन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपने ग्रैंड मदर की पिक्चर याद आती है कि जब मेरी ग्रैंड मदर एक रोकिंग चेयर पे झूलने वाली चेयर पे लेटी हुई होती थी और एक uh, आउलेट आके उनके पास पड़ा हुआ था, था वो उनकी गोद में लेटा हुआ था तो वो मुझे सीन कभी कभी याद आता है आउलेट्स अपिल इट्स अंडर हर इयर बोथ ग्रैंड मदर द द लिटल आउलवर्स स्नोरिंग तो वो कहता है कि एक दिन क्या हुआ जब मैं अपने है कि अपने घर जा रहा था रूम में जा रहा था तो आफ्टरनून को मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर सोई हुई है तो एक आउ, उन में से, आउलेट में से उन एक आउलेट उसके पास क्रोल करके जाता है रेंग के जाता है और उस पिल्लों के पास उसके हेड के पास जाता है उसके कान के पास बिल्कुल जाके कान के नीचे जाके बिल्कुल वो सो जाता है और दोनों ही उस समय उसके बाद वो स्नोर करते हैं दोनों ही वो कराटे मारते हैं

would have liked compromise यानी किसी बात से समझौता करना किसी बात को सपोज किसी कोई चीज आपको पसंद नहीं है फिर भी आप उसके साथ कुछ समझौता कर लेते हो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज ब्लड कर्डलिंग दैट व्हिच कॉज फियर यानी कि दिल दह, दहला देने वाली कोई चीज होना कंटेंटेड हैप्पी एंड सैटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होना किसी बात से एंड स्परोलिंग एंड स्ट्रेचिंग आउट यानी कि आराम करना स्नगल्ड मूव्ड इनटू कंफर्ट पोजीशन यानी कि लेट जाना